आप सबको जानकारी है कि ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था और कल जब प्रशासन की टीम पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और ख़ास तौर से जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास किया है, पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है, पत्रकारों को भी बुरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई है, किस तरह से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा, इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं, उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। देखिए इसके साथ साथ यह भी है कि इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था, इस प्रकार से वहाँ पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। सर, जिस तरह वो पत्थर बरसा रहे थे, उससे लग रहा था कि वो ट्रेंड लोग हैं। जो भी लोग जिसमें हमारे पुलिस के सामान्य जनता के, आम जनता के लोग घायल हुए हैं, चोट लगी है, उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, पत्रकार साथियों का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं और मैंने कहा कि कानून अब अपना काम करेगा।